नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। इंदौर में प्रवासी दिवस सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रवासी भारतीयों को संबोधित करते हुए कहा कि दुनिया के इतने अलग अलग देशों में जब भारत के लोग एक कॉमन फैक्टर की तरह दिखते हैं तो वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साक्षात दर्शन होते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब कोई भारत का व्यक्ति विदेश जाता है और वहां कोई भारतीय मिल जाता है तो उसे लगता है कि पूरा भारत मिल गया। आप जहां रहते हैं भारत को अपने साथ रखते हैं। बीते 8 वर्षों में देश ने अपने डायस्पोरा को ताकत देने के लिए हर संभव कोशिश की है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दुनिया की व्यवस्था में भारत का महत्व आपकी वजह से बढ़ा है। भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि जब हमारे इन प्रवासी भारतीयों के योगदान का विश्व आकलन करता है तो उसे सशक्त और समर्थ भारत इसकी आवाज़ सुनाई देती है। इसीलिए ही तो मैं आप सभी को, सभी प्रवासी भारतीयों को विदेशी धरती पर भारत का राष्ट्रदूत कहता हूँ। सरकारी व्यवस्था में राजदूत होते हैं लेकिन आप राष्ट्रदूत हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आप ब्रांड एम्बेसडर हैं। बता दें, सम्मेलन में करीब 70 देशों के 2,705 प्रवासी भारतीय शिरकत कर रहे हैं। ये दिन हर 2 साल में एक बार मनाया जाता है। इसका उद्देश्य भारत से बाहर रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों के साथ भारत सरकार के बंधन को मजबूत करना और उन्हें उनकी जड़ों से फिर से जोड़ना है। इस दौरान अपने काम से प्रसिद्धि हासिल करने वाले प्रवासियों को प्रवासी भारतीय पुरस्कार भी दिया जाता है। 21 सूत्रीय मांगों को लेकर आज राजधानी भोपाल के जम्बूरी मैदान में करणी सेना ने शक्ति प्रदर्शन किया। ऐसा प्रधानमंत्री मोदी के मध्य प्रदेश यात्रा के चंद घंटे पहले किया। मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी इंदौर में 70 देशों के प्रवासी भारतीयों का 3 दिनों का समागम रविवार से आरंभ हुआ है। इस समागम में सोमवार दोपहर को पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं जबकि मंगलवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आने वाली हैं। इस दौरान ही भेल क्षेत्र में स्थित जम्बूरी मैदान पर करणी सेना का सैलाब उमड़ पड़ा। राज्यों से भोपाल में जुटे करणी सेना के सैलाब को लेकर प्रदर्शन के रणनीतिकारों का दावा है कि 10 लाख से ज़्यादा राजपूत भोपाल आ गए। उधर पुलिस और प्रशासन दबी जुबान में स्वीकार कर रहा है कि 60 से 70 हज़ार का जमघट है। करणी सेना की प्रमुख मांग है जाति के आधार पर आरक्षण बंद कर आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू किया जाए। दूसरी मांग है SC ST एक्ट में बिना जांच के गिरफ्तारी पर रोक लगाई जाए। सामान्य पिछड़ा वर्ग एक्ट बनाया जाए जो सामान्य और पिछड़ा वर्ग की SC ST के अत्याचार से रक्षा करे। भर्ती कानून बनाया जाए। व्यापम के 1 लाख पदों और अन्य विभागों में भर्तियां अतिशीघ्र की जाएं। भर्ती नहीं होने पर बेरोजगारी भत्ता दिया जाए। MPPSC की 2019-2020 एवं 2021 की भर्तियां संवैधानिक रूप से पूर्ण की जाएं। किसानों के हित में स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों को लागू किया जाए ताकि किसानों को उपज का सही मूल्य मिल सके। भारत जोड़ो यात्रा पर राहुल गांधी लगातार आगे बढ़ रहे हैं। इस बीच रविवार को NCP चीफ शरद पवार ने एक बार फिर राहुल गांधी की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी नेशनल लेवल पर सभी विपक्षी दलों को एक साथ ला सकते हैं। वरिष्ठ नेता ने कहा कि राहुल गांधी ने दिखा दिया है कि वो कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार हैं। NCP चीफ ने कहा कि राहुल गांधी के प्रति लोगों का नजरिया बदला है। वो आने वाले भविष्य में विपक्षी दलों के बीच आम सहमति बनाने में मदद करेंगे। उन्होंने कहा ये यात्रा भाजपा द्वारा उनकी इमेज खराब करने का जवाब साबित हुई है। लोगों का रुख उनके प्रति बदल गया है। बता दें, इससे पहले उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत भी इस यात्रा की और राहुल गांधी की तारीफ कर चुके हैं। नए साल में तमिलनाडु विधानसभा के पहले सत्र के पहले दिन ही राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच टकराव सामने आ गया। दरअसल सत्र के पहले दिन राज्यपाल RN रवि सदन में भाषण पढ़ रहे थे। इसी दौरान तब हंगामा हुआ जब मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने विधानसभा अध्यक्ष को कहा कि केवल राज्य सरकार द्वारा तैयार किए गए भाषण को ही रिकॉर्ड कर लें और राज्यपाल द्वारा अपनी ओर से भाषण में जोड़े गए हिस्से को हटा दिया जाए। इसके बाद भाषण पर हंगामे के बीच राज्यपाल विधानसभा से बाहर चले गए। इससे पहले दिन में DMK के नेताओं ने अपने संबोधन के दौरान राज्यपाल रवि के खिलाफ नारे लगाए। बता दें, बाकी गैर BJP शासित राज्यों की तरह तमिलनाडु में भी राज्यपाल सरकार के बीच विवाद चल रहा है। उत्तराखंड के जोशीमठ शहर पर जमीन में समाने का खतरा हर घंटे के साथ बढ़ता जा रहा है। इस पूरे क्षेत्र को सिंकिंग जोन करार दे दिया गया है। बीते 48 घंटों में जमीन धंसने से टूटे मकानों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ये 561 से बढ़कर 603 से 610 के बीच हो गई है। ये लगातार बढ़ती जा रही है। तेजी से बदलते हालात की वजह से आपदा प्रभावित इलाकों में रहने वाले हजारों परिवारों को पुनर्वास केंद्रों में ले जाया जा रहा है।
चमोली के जिला अध्यक्ष हिमांशु खुराना ने खुद लोगों के घर जाकर उनसे रिलीफ कैंप में जाने की अपील की है। जोशीमठ को आपदा संभावित क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। इसके साथ ही जोशीमठ और आसपास के इलाकों में निर्माण गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है। केंद्र सरकार भी इसको लेकर अब एक्टिव हो गई है। केंद्र सरकार के विशेषज्ञों की टीम सोमवार को राज्य का दौरा करेगी और आगे की स्थिति का आकलन करेगी। प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा रविवार को बुलाई गई उच्च स्तरीय बैठक में यह फैसला किया गया था। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार ने जोशीमठ शहर में एनडीआरएफ की एक टीम और एसडीआरएफ की चार टीमों को तैनात कर दिया है। आईसीआईसीआई बैंक और वीडियोकॉन लोन फ्रॉड मामले में सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किए गए आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को जमानत मिल गई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने दोनों कोचर दंपति को गिरफ्तारी पर सवाल उठाते हुए कहा कि सीबीआई ने इनकी गिरफ्तारी कानून के मुताबिक नहीं की। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने चंदा कोचर और दीपक कोचर को फौरन रिहा करने का आदेश दिया है। हालांकि सीबीआई चंदा और दीपक कोचर की रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। सोमवार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने चंदा कोचर और दीपक कोचर की रिहाई का फैसला देते हुए सीबीआई की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए। कोर्ट ने कहा कि जब चंदा और दीपक कोचर से सीबीआई पहले से ही पूछताछ कर रही थी तो फिर उन्हें गिरफ्तार क्यों किया गया। भारत में करेंसी नोट पर लिखने को लेकर फैली तमाम अफवाहों पर भारत सरकार ने स्पष्टीकरण जारी कर दिया है। केंद्र सरकार ने साफ किया है कि बैंक नोट पर कुछ लिखने का मतलब ये नहीं है कि अब वो वैध मुद्रा नहीं है, यानी कि लीगल टेंडर नहीं है। रविवार को तमाम व्हाट्सएप ग्रुप में ये संदेश वायरल हो गया था कि नोट पर कुछ लिख देने से वो नोट अमान्य हो जाता है। उस कथित वायरल संदेश में कहा गया था कि भारतीय रिजर्व बैंक ने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं जिसके तहत नोट पर लिखने से ये अमान्य हो जाता है, लेकिन यह वायरल संदेश गलत सूचना दे रहा था। सरकार ने हालांकि जनता से करेंसी नोट पर कुछ भी लिखने से परहेज करने की मांग तो की है, क्योंकि ऐसा करने से यह खराब हो जाता है और उसकी जिंदगी कम हो जाती है। ब्राजील में पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो के समर्थकों ने रविवार को राजधानी ब्रासिलिया में जबरदस्त उपद्रव किया। उनके समर्थक संसद, राष्ट्रपति आवास और सुप्रीम कोर्ट में घुस गए और उन्होंने वहां जमकर तोड़फोड़ की। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा ने इसे फासीवादी हमला बताते हुए इसकी जमकर निंदा की है। उपद्रव करने वाले बोल्सोनारो के समर्थकों की संख्या 3,000 के आसपास बताई गई है। बता दें, पिछले साल हुए राष्ट्रपति के चुनाव में लूला डी सिल्वा ने बोल्सोनारो को हरा दिया। राष्ट्रपति चुनाव हारने के बाद बोल्सोनारो ने इन चुनाव को चुनौती दी। उनके समर्थकों ने ब्राजील की सर्वोच्च चुनावी अदालत में शिकायत की और चुनाव परिणाम का वेरिफिकेशन कराए जाने की मांग की थी। बोल्सोनारो के समर्थकों का कहना है कि इस चुनाव में धोखाधड़ी हुई और इसकी समीक्षा की जाए। चुनाव में लूला डी सिल्वा को 50.9% वोट मिले थे, जबकि बोल्सोनारो को 49.1% वोट मिले थे। बोल्सोनारो के समर्थकों को राजधानी में उपद्रव मचाते देख सेना को बुलाना पड़ा और सेना के साथ भी बोल्सोनारो के समर्थकों की जबरदस्त झड़प हुई। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक राष्ट्रपति ने उपद्रव करने वाले लोगों को नाजी करार दिया और कहा कि लोगों ने वो काम किया है जो ब्राजील के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि उन्हें उनके किए गए कामों की सजा दी जाएगी। बता दें, ऐसी ही घटना अमेरिका में हुई थी जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति के चुनाव में हार गए। उसके बाद 6 जनवरी 2021 को ट्रंप समर्थकों ने कैपिटल बिल्डिंग पर कब्जा कर लिया। ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो के समर्थकों के उपद्रव के बाद बिगड़े हुए हालात को देखते हुए मुल्क में 31 जनवरी तक इमरजेंसी लागू कर दी गई है। राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा ने राजधानी के केंद्रीय हिस्से को भी अगले 24 घंटे तक बंद रखने का आदेश दिया है। इसमें वो इलाका भी स्थित है जहां अहम सरकारी दफ्तर हैं। बताना होगा कि बोल्सोनारो के समर्थकों ने रविवार को राजधानी ब्रासिलिया में जबरदस्त उपद्रव किया था। ब्राजील में पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो के समर्थकों के द्वारा संसद, राष्ट्रपति आवास और सुप्रीम कोर्ट में घुसकर जबरदस्त उपद्रव करने को लेकर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी प्रतिक्रिया दी। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि वो ब्रासिलिया में हुई हिंसा को लेकर चिंतित हैं। उन्होंने कहा कि सभी को लोकतांत्रिक परंपराओं का सम्मान करना चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी इस उपद्रव की निंदा की और इसे लोकतंत्र पर हमला बताया। बाइडेन ने कहा कि ब्राजील के लोकतांत्रिक संस्थानों को अमेरिका का पूरा समर्थन है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।